पैदल आओ, गाड़ी में जाओ, शरीफ लोग लगते वेलकम्स वेलकम्स, ये गैराज आपके लिए खोल कर बैठे हैं। होंडा, फरारी, लेक्सस, हमर, ब्रांड न्यू तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, सेकंड हैंड तो मिलेगी मिलेगी। हमें भी वैसे सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हटके, है ना? वन टू थ्री, वाओ, BMW? नहीं नहीं, मर्सिडीज है। What? सस्ती है, सिर्फ 40,000 दिरहम। 40,000 में दे देता, लेकिन एक छोटा प्रॉब्लम है, गाड़ी आगे से मर्सिडीज, पीछे से BMW, 50-50, मैं सिर्फ 50% देने को तैयार हूँ। ये लो जी, 100% BMW, कहीं और लगा दे। Okay. बस आज कर। थैंक यू मैन। डैंग, इससे कहते गुड डील, समझे मैन? गुड डील। गाड़ी में बैठ के बड़ा अपनापन महसूस हो रहा है। ये तो अपना प्रीति है मैन, ये तो अपनी गाड़ी है। Come, Dang. This is my car. This is my car. Hey, look. This is my car. Yours, yours. पूरे पैसे दिए तो गाड़ी तुम्हारी हुई। ये ले भाई, गिन ले। कल कैरफोर का पार्किंग लॉट से चोरी हुई थी। वो तो इसी की गड्डी उठा लाया। भाजी 5 बजे उठ जाऊंगा। अबे जिसकी गड्डी है वही खरीदने आया है। जल्दी से पैसे रिफंड करो, जल्दी। तुम सब छोड़ो। चोर बोल रहा पाजी। ओए जुबान संभाल के बात कर, ये शरीफों का मल्ला है। देख ले तुम्हारी शराफत, मुझे मेरे पैसे रिफंड करो वरना। वरना क्या करेगा तू? गैंग क्या करेगा? मुन्ना धरती हिली। मुन्ना मैं बताता हूँ। ये क्या बताएगा? हम बताता है, ये गाड़ी चोरी। ए, क्या चोरी चोरी कर रहा है? गड्डी चुरा कर ले जाएगा। हम ये गाड़ी लेके जाएगा और पैसा भी। देखा देखा मुन्ना, देखा कैसे दादागिरी कर रहा है। ओए तू गड्डी को एक बार हाथ लगा के दिखा। देखा कूल्स, देखते हैं हमको कौन रोकता है। एक मारेगा शाला बढ़ जाएगा। अबे एक क्या, 10 मारेगा ना तो भी ये मुन्ना भाई हिलेगा नहीं। अच्छा तो फिर आजमा लो। चल मुन्ना है ना। क्या डिकी, इधर सब सीन शॉट हो रहे हैं, तूने मुझे बताया नहीं? हाँ यार, मेरा पेट भी सुबह से बहुत दुख रहा है। नाश्ते में गड़बड़ थी ना, टैबलेट हुई देना है, सुधरेगा नहीं। और बाबूजी क्या चल रहा है? और मुन्ना ने उसे चैलेंजेस फेंका है। कौन वो सामने? ये बाल की दुकान। अबे ये बाल की दुकान नहीं, उसके बाजू में जो खाल की दुकान है वो। ए, जा, जा। मुन्ना सिंह ये डक्का तो निकाल दे, लग जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। बस करो और मेरी बारी। मुन्ना 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 तू तक मुन्ना। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कितने लोगों ने मारा इसको? एक। कितना मारा? एक। क्या नाम है उसका? एक मुन्ना, मुन्ना नाम है उसका, यहीं इंडिया कॉलोनी में रहता है। आप टेंशन मत लो, मैं आपका पूरा कर्जा उतार दूंगा जेडी से अगली फाइट में। तब तक आपको मांगता तो मेरा कुछ गिरवी रख लो। आप मेरा कल से बैटिंग खुल चुकी है, तेरे फाइटर पे लाखों दिरहम लग चुके हैं, फाइटर तो तुझे लाना ही पड़ेगा। नहीं लाऊंगा। ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, फाइटर तो लाना पड़ेगा। क्यों बाप? मलेशिया का मार्को ना मैं,
मेरे पास उसका नंबर है। मैं वो मार को क्या मार खा हो गया है, जब से शादी हुई उसकी मार खा खा के अपनी बीवी की पागल हो गया है। पागल हो गया जेडी सेठ। इटली से स्कॉर्पियो बुलाए? अरे नहीं नहीं, वो स्कॉर्पियो उसको लास्ट टाइम फाइट करने के लिए रिंग में भेजा था तो सामने वाले फाइटर के साथ गुड़ की तरह छिटक गया था। वो इश्क हो गया उसको उसके साथ, शादी कर रहा है वो। जेडी सेठ ने उसके सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए डोनेशन दिया है ना सेठ। ज्यादा दिमाग मत चला, जिसने इसकी ये हालत बनाई है उसको लेके आ। मुन्ना, तेरे को बोला था ना पहले ही अपनी जबान से घूमना मत। बोला था ना अगर शाम की फाइट में फाइटर लेके नहीं आया तो तुम दोनों। नहीं नहीं, समझ गया जेडी सेठ, समझ गया। जाओ जाओ। चल मेरे जिंदा लाश। ठीक हो जाएगा मैं, चल। इंडिया से हीरा गायब, तो फिर हीरा गया कहाँ? दुबई, यार आई एम। फोन, फोन। हेलो, सब सेफ छे? चौकसी काका, सब कुछ? एक्स्ट्रा सेफ। ठीक चार बजे, आई मीन 4 o'clock, precisely. तुमको मेरे सगे भाई लालवानी के पास जाना है। ओके। एंड रोकी, लिसनिंग, एक बात कान खोल कर सुन लो, गन्स और गैम्बलिंग से दूर रहना, समझे? जाना है 4 बजे, दो तू आज वे तू गो मॉस्को। फ्री। इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें मेरे लिए जुआ खेलना होगा। यू मीन गेमलिंग? राइट। जो मेरा बीच पर हर शाम को इलीगल फाइट होती है, तुम्हें वहां मेरे लिए पैसा लगाना होगा। तो तुम खुद अपने पैसे खुद जाके खुद क्यों नहीं लगा देते हो? मेरी वहां उधारी बढ़ गई है और वो लोग मेरे आदमियों को जानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए वहां जुआ खेलो। आज जो आदमी फाइट जीतने वाला है उसके बारे में मेरे पास पक्की टिप है, जो मिलेगा 50-50। हेलो, चौबे बोल रहा हूँ। चौबे है? और चौबे तो हम ही है, राहुल है। चौबे जी, ये ले जी। चौबे साहब, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने क्यों फोन। अरे तनिक सुनिए तो भाभी माँ, एक ठो गुड न्यूज है, राहुल का प्रमोशन हो गया है। सच? राहुल का प्रमोशन हो गया है? प्रमोशन? चोर से स्मगलर बन गया है, तो उसे जल्दी पेपर साइन करने के लिए भिजवा दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी भेजती हूँ। राहुल ऑफिस जाना पड़ेगा, जल्दी आ। मॉस्को भैया, आपके कहने पर तो राजा को भी बुलाए हैं, अब तो बंदूक नीचे कर दीजिए। ले बात कर, मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ। हेलो, जल्दी फटाफट हमारी दुकान पे आ जाओ। क्यों? पर टीना से शादी करने के लिए पूरी बारात आई है। क्या? हाँ, अगर तुम आए नहीं तो हमारे हाथों कन्यादान हो ही जाएगा। ए ए ए, तू कुछ नहीं करेगा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक ठीक है, आ रहा है। झूले लाल बेड़ाई पार। अरे बड़ा बड़ा हीरा निठम बाबा, पर एरो हीरो पहली दफा तो निस्ता, क्या आइटम भेजा है मेरे सगे भाई ने? एक बात बताओ, लालवानी तुम सिंधी और मेरी चोकसी का गुजराती, तो तुम दोनों सगे भाई कैसे हुए? अरे बाबा, बड़ी सीधी सी बात है। देखो, चोकसी मेरे गुजराती बाप का सगा गुजराती बेटा है और मैं उसकी सिंधी माँ का सगा सिंधी बेटा हूँ। नहीं समझा? फिर समझाता हूँ। देखो अभी, ये देखो, ये क्या, ये कौन है? ग्लास? अरे ग्लास नहीं यार, चौकसी। चौक? अच्छा अभी ये कौन है? दूसरा चौकसी? अरे नहीं यार, ये मैं हूँ भाई, लालवाणी यार। लालवाणी, ये चौकसी, ये लालवाणी। अच्छा अभी बताओ, ये क्या हुआ, ये इस ग्लास का क्या हुआ? बड़ा ग्लास। अरे बाबा बड़ा तो है, पर उसका बाप हुआ ना चौकसी का सगा गुजराती बाप। अच्छा अभी ये कौन है? छोटा बाप।
अरे नहीं यार, ये मेरी माता है यार। नाटी मोटी मेरी माता जी। अच्छा अभी देखो ये चारों मिला के क्या हुए है? चार ग्लास का सेट। अरे नहीं यार, फैमिली हुई ना। क्या यार तुम भी। अरे चाचा, अपने भतीजे को मामा मत बना, पहले जेब से रोकड़ा निकाल। ये बड़ा कीमती हीरा है यार, रुपया बंदोबस्त करने में भाई टाइम लगेगा। टाइम बंदोबस्त हो जाएगा तो फोन कर देना। अरे चाय पानी तो पीते जाओ भाई, किधर जाता है यार। जुमे रमी जो इलीगल फाइट हो रहा है ना, उस पे बेटिंग करने जा रहा हूँ। तेरे को काका ने तेरे को मना किया जुआ से दूर रहने का, तू कहीं नहीं जाएगा। ए चाचा, आज की फाइट में जो फाइटर जीतने वाला है ना, उसकी मेरे पास पक्की टिप है। तो मेरा भी लग गया ना यार। राजा, मुझे तेरा इंतजार था, अब तू कहता है तो जा चौबे, तेरी जान छोड़ी। लेकिन तुम लोगों को मेरा काम करना होगा। कौन सा काम? एक आदमी को उठाना है। उठाना है, ठीक है। वो कब से सो रहा है? अबे वो वाला उठाना नहीं, उठाना है। ठीक है, कितने किलो का होगा? अबे तू भी साला ठक्कन है। उठाना मतलब किडनैप करना है। किडनैप? अपहरण? फिरौती? रैंसम? पकड़? जुमेरा पे एक आदमी बैटिंग करने आएगा, तुम लोगों को वहां फील्डिंग लगानी है। क्रिकेट खेलना है? नहीं, अभी आप कहते ना किडनैपिंग करना है, तो फील्डिंग बैलिंग बॉटिंग कहां? एक सेकंड मामा, मैं बात करता हूं। सीजन से खेलना है रबड़ी से, जो आप बोले हम तैयार हैं। अबे देड़शाने सुन, जुमेरा पर एक बैटिंग काउंटर है, वहां फाइट पर लाखों दिरहम की बैटिंग होती है। 6 बजे एक आदमी वहां बैटिंग करने आएगा, तुम लोगों को उससे किडनैप करना है। लेकिन मॉस्को भाई, हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे? वो आप रुकिए, हम समझाते। ऐसा है कि मॉस्को मामू आदमी को हमारा हुलिया बता देगा, वो आदमी चिल्लाएगा चौबे और मुझे फट से पकड़ लेंगे, ठीक है? ए ये ढक्कन का मुंह बंद करता है, मैं करूं? तू अपना ढक्कन बंद कर, तू खोल अपना ढक्कन। आप बोलिए मॉस्को भाई, सॉरी। वो अतरंगी सूट बूट में होगा, मुंह में सोने का दांत, दाएं हाथ में रॉकी नाम का टैटू, उंगलियों में रॉकी नाम की अंगूठियां और हाथ में एक ब्रीफकेस होगा जो जंजीर से जुड़ा होगा। मुझे वो ब्रीफकेस चाहिए। आपको ब्रीफकेस चाहिए कि आदमी चाहिए? पहले से तय करके बताइए आप प्लीज। है? अगर तुम दोनों ने मेरा काम नहीं किया ना, तो आप किसी और से करा लेंगे, कोई बात नहीं, हमें कोई इंजेक्शन नहीं है। मामा ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ ये नहीं है तेरी। अबे कान का शटर खोल के आखिरी बार सुन ले, मुझे वो ब्रीफकेस चाहिए, समझा? मॉस्को भाई, उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या है? मेरी जन्म कुंडली भाई। कुंडली तो घर पे है, कबाड़ में। घर पे है? कब बॉल स्कॉच की। ए कबाड़ी है, काम खत्म होते ही मुझे फोन कर देना, मैं तुझे यहीं मिलूंगा। ओके कम ऑन बॉयज, फॉलो मी। यस सर। राजा क्या सोचा तुमने? सोच रहा हूँ कि हम रॉकी को किडनैप करके यहाँ लाएंगे कैसे। उसे किडनैप करने के लिए हमें एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी और एक ड्राइवर की जो गाड़ी को हवा से भी तेज चला सकता है। पुट पायलट। पायलट? हाँ, अरे गाड़ी हवाई जहाज की तरह उड़ाता है। फैंटास्टिक। अरे तो उसको बुला लो ना। यस। वो आएगा नहीं कमीना। क्यों नहीं आएगा? अरे भैया उसका कर्जा जो चुकाना है ना। राजा अरे तो इसके सर पे किस किस का कर्जा है यार? और तुम्हें रात को नींद आती है या नहीं? पहले नींद नहीं आती थी बबुआ, लेकिन एक दिन सुबह सबको बुलाकर हमने बता दिया कि देखो भाई हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। फिर उस दिन से उनको नींद नहीं आती है और हम आराम से सो जाते हैं। ए मामा, अभी सोने का टाइम नहीं है, कुछ भी करके उस ड्राइवर को लेकर आ, तब तक मैं कॉल नहीं कराता हूँ। राजा हाँ, तुम वापस क्यों जा रहे हो? ये तुम्हारे मामा ने जो मेरा नकली का प्रमोशन कराया ना, उसकी खुशी में कॉलोनी में असली का सेलिब्रेशन हो रहा है, और अगर मैं वहां 2 घंटे में नहीं पहुंचा ना, तो मुन्ना ने कहा है कि वो सोच, अगर तेरे हाथ की जगह तेरे टांग होंगे और टांग की जगह तेरे हाथ, कैसा लगेगा? कैसा लगूंगा? वेरी बैड।